कांग्रेस प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने वार्ड संख्या 65 में किया जोरदार जनसंपर्क। आपको बता दें कि आज भाजपा के मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने वार्ड संख्या 65 के भाजपा पार्षद प्रत्याशी रामकृष्ण चतुर्वेदी रामू भैया के साथ पूरे वार्ड में किया जोरदार जनसंपर्क। सबसे पहले उन्होंने कंपू घाट से लेकर बंगाली घाट होने वाली गली व वार्ड संख्या 65 के पूरे वार्ड में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान उनके साथ उनके समर्थक व पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनसंपर्क में उन्होंने लोगों से अपनी जीत की अपील की, लोगों का आशीर्वाद लिया। जनसंपर्क के दौरान लोगों ने भी उनका जगह जगह जोरदार स्वागत किया। नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा T20 न्यूज के साथ, और आज हम आए हुए हैं वार्ड संख्या 65 में, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के प्रत्याशी रामू भैया। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, और आप क्या कहना चाहेंगे बताइए। आपका साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के साथ, संकल्प के साथ चलती है, और जो कार्य करती है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देती है। हम विकास करते हैं, विकास करेंगे। ये मेरा जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये जो है वो है जो मैंने कार्य कराए मेरी पत्नी ने। वार्ड नंबर 48 था, अब वार्ड नंबर 65 हो गया है। उसमें ये जो है कार्य किए, ये उसकी पूरा विवरण है जो कि 5 साल के अंदर हमने कराई। अब आगे आपके क्या मुद्दे रहेंगे और किस मतलब प्रगति से आप कार्य करेंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आगे जो है कार्य करेंगे, देखो हमारे यहाँ ढलापघर हटे, पेयजल की समस्याएं थी, बहुत से क्षेत्रों में प्रदूषित पेयजल आता था, उसकी समस्या को हमने दूर किया। विश्राम घाट, गली दशावतार, गोलपाड़ा, श्याम घाट वगैरह ये क्षेत्र थे, यहाँ भयंकर प्रदूषित पानी की समस्या थी, वो समस्या हमारे द्वारा समाप्त की गई। ऐसे ही कुछ क्षेत्र अभी हमारे रह गए हैं जहाँ पेयजल की समस्या रह जाती है। वहाँ पुरानी पाइपलाइनें डली हुई थी जो कि चोक हो गई हैं या फट जाती हैं आए दिन। जैसे गोपालपुरा क्षेत्र है, वहाँ ओपन पाइपलाइन डलेगी, वहाँ सड़क कार्य अभी इंटरलॉकिंग का अंडरग्राउंड लाइटिंग हुई, सीवर लाइन डली तो उसमें वो सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, तो वो सड़कें बनेंगी। इस संकल्प के साथ हम यहाँ पर हैं। देखो मुख्य समस्या हमारे क्षेत्रों में बंदरों से है। सब कार्य होते हैं मगर बंदरों से आदमी बहुत त्रस्त है। तो जब हम पहले वोट में बैठक में चुनने के बाद जाएंगे तो पहला प्रस्ताव यही रखेंगे कि बंदरों को पकड़ा जाए। जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं अपील करूँगा, भारतीय जनता पार्टी एक संकल्प के साथ आती है, और संकल्प है सबका साथ सबका विकास और सबका साथ।